आज जो ऋतु फल हैं उनमें ऋतु फल चीकू की चर्चा हो गई। चीकू में पाए जाने वाले पोषक तत्व और इसके गुण आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी अपने YouTube चैनल आयुर्वेद विद राकेश सिंह बक्सी पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का विषय है ऋतु फल चीकू। चीकू स्वादिष्ट, मीठा, रुचिकर, शीतल गुणों से भरपूर पोषक तत्वों युक्त फल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक की प्रचुर मात्रा होती है। जैसा मैंने पहले बताया, यह खाने में रुचिकर है। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण यह बालों और आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आँखों की रोशनी को यह बढ़ाता है। पाचन, क्योंकि इसमें 100 ग्राम चीकू में लगभग 6 मिलीग्राम फाइबर की मात्रा पाई जाती है, जो पाचन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यानी कि पाचन की प्रक्रिया को यह सुदृढ़ बनाता है। साथियों, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इसकी मात्रा से अधिक, जितनी मात्रा निर्देशित की गई है उससे अधिक खाने से आपको पाचन की समस्या बना भी सकता है। यानी कि 2 से 3 चीकू ही प्रतिदिन आप खा सकते हैं, इससे अधिक खाने से आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, चीकू खाते समय ये विशेष ध्यान रखें कि इसके बीज आपके पेट में न जाने पाएं। यदि पेट में बीज चले जाते हैं तो यह बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। हार्ट को बनाता है मजबूत, क्योंकि इसमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ब्लॉकेज को करता है खत्म, कोलेस्ट्रॉल को करता है नियंत्रित। यानी कि आप यदि आपका वजन बढ़ा हुआ है, फैटी शरीर है आपका, बहुत मोटापा है, तो एक्सरसाइज और परहेज के साथ चीकू का सेवन करते हैं तो यह आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो गया उसको निकाल कर स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेंट्री, यह एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल गुणों से युक्त होने के कारण से यह कैंसर के मरीजों के लिए पथ आहार है। वजन, इसमें थोड़ा सा भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वजन बढ़ाने में काम करता है, जबकि यहीं पर कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि ब्रिटेन की महारानी लगभग 200 वर्ष पहले उन्होंने इसको वजन घटाने के लिए इसका प्रयोग किया था। तो ये कंट्राडक्शन है हमारे शोधकर्ताओं में। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत अधिक कैलोरी होने के कारण से यह वजन बढ़ाता है, जबकि हिस्ट्री में ये वर्णन आता है कि महारानी एलिजाबेथ ने वजन घटाने के लिए इसका प्रयोग किया था। साथ ही प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन महिलाओं का जी मिचलाता हो, यदि वो सेवन करेंगे तो जी मिचलाना बंद हो जाता है। दूध निर्माण की प्रक्रिया, जैसे बहुत सी महिलाओं को कई बार मिल्क बनना मुश्किल हो जाता है, मिल्क बनता नहीं है पोषण की कमी से या जो भी कारण से, तो जब वो चीकू का सेवन करती हैं तो दूध बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यह प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला होता है। स्किन के डार्क सर्कल को खत्म करता है, यह खाने से भी और चेहरे पर लगाने से भी। जहाँ जहाँ डार्क सर्कल हैं, जो विधि है ये उस तरीके से लगाएंगे आप तो डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं। स्किन में ग्लो, ओज तेज और लावण्य के साथ साथ पुनर्जीवन प्रदान करता है। कई बार झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और त्वचा बहुत ही डल दिखने लगती है, उस समय इसका सेवन किया जाए तो यह त्वचा को स्वास्थ्य प्रदान करता है। हड्डी और दांत, हड्डियों को भी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी है तो यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोगों के दांत घुरने लगते हैं, यानी कि घिसने लगते हैं, या हड्डियाँ इतनी भुरभुरी हो जाती हैं कि जरा गिरे कि टूटे, तो उस समय यदि आप इसका सेवन करते हैं तो हड्डियाँ भी मजबूत बन जाती हैं। साथ ही इसको खाने से अवसाद या डिप्रेशन जैसी समस्या भी दूर होती है, मन प्रसन्न होता है, ऊर्जा मिलती है, तत्काल कार्य करने की क्षमता मिलती है। अनिद्रा
यानी कि यह अनिद्रा को भी खत्म करता है और बढ़िया स्वस्थ नींद प्रदान करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। साथ ही जिन लोगों को संग्रहणी यानी कि कुछ भी खाएं और दस्त लग जाते हैं, यानी कि बार बार दस्त होते हैं, उन लोगों को भी यह बहुत अधिक फायदा करता है। और IBS यानी कि वो संग्रहणी मैंने बताया, जो कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है, तो पाचन क्रिया फाइबर होने के कारण से यह ठीक कर देता है। बात करें मात्रा की, तो दो या तीन चीकू ही खाना चाहिए, इससे अधिक खाने से आपको नुकसान हो सकता है। तासीर की बात करें, आयुर्वेद के हिसाब से इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह सुबह नाश्ता के बाद या दोपहर के भोजन के बाद इसका सेवन आपको करना चाहिए। एक बात और विशेष ध्यान रखें, चीकू कभी भी अधपका नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक टैनिन नाम का जो द्रव होता है, यानी कि जो दूध निकलता है, यदि वो आपके मुँह में लग जाए तो इससे छाले होने की संभावना होती है। तो इसलिए चीकू जब पूरा पक चुका हो तभी खाना चाहिए। जो प्राकृतिक रूप से पका हुआ चीकू होता है वही खाना उपयुक्त होता है। शुगर पेशेंट इसको ना खाएं तो बेहतर है, या शुगर लेवल अपना चेक कर लें उसके बाद इसका सेवन करें, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से शुगर या कैलोरी बहुत अधिक मात्रा होती है जो शुगर पेशेंट को परेशानी में डाल सकती है। मोटे लोगों को भी यह खाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि यह वजन बढ़ाने में कारगर है। बात करें तासीर की, तो साथियों इसकी आयुर्वेद के हिसाब से तासीर होती है ठंडी, तो इसलिए इसका रात्रि में सेवन उचित नहीं है। और दूसरा, रात्रि में सेवन इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें शुगर, जो प्राकृतिक शुगर की मात्रा है वो अधिक है, और अधिक मात्रा में जब शुगर रात्रि टाइम में सेवन की जाती है तो उससे नींद प्रभावित होती है, यानी कि अच्छी नींद नहीं आती है, इसलिए इसका सेवन आप दिन में ही करें तो ये अत्यधिक लाभदायक है और उसके जो जो गुण आप लेना चाहते हैं वो गुण आपको प्राप्त होंगे। अंत में एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इसके बीज किसी भी हालत में आपके पेट में नहीं जाना चाहिए और इसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 चीकू ही एक दिन में आप खा सकते हैं, इससे अधिक खाने पर यह नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, आज चीकू या सपोटा के बारे में आपने जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथियों को शेयर करें। आज आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।